हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर सेफ एट होम। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 3 इन इंग्लिश क्लास 4। द नेम ऑफ चैप्टर इज द क्रो रेड डिस्ट्रेस। इट मीन्स दिस इन दिस चैप्टर देर इज गिवन वन स्टोरी एंड इन दिस स्टोरी देर आर 3 कैरेक्टर्स, क्रो, रेड एंड डव किंग। नाउ लेट्स वी स्टार्ट। आफ्टर ही सॉ हाउ हिरमिका द रेड हैड हेल्प चित्रग्रीन। इट मीन्स हिरमिका इज द नेम ऑफ रेड, यानी हिरमिका किसका नाम था? रेड का। द रेड हैड हेल्प चित्रग्रीन, कि जो रेड है वो किसकी हेल्प कर रही है? चित्रग्रीव। और चित्रग्रीव कौन था? द डव किंग, यानी जो राजा था उस ट्री का। लघुपंता केम डाउन फ्रॉम हिज ट्री एंड कॉल्ड आउट द रेड इन ए वॉइस रिजेम्बलिंग। रिजेम्बलिंग का मतलब होता है कि जैस ऐसे प्रेम से, कि दैट ऑफ चित्रग्रीव, यानी एक दिन की बात है कि जो ये प्लांट ट्री दिखा रखा है, इस ट्री का जो किंग था वो था डव, और इस प्लांट के ऊपर, इस ट्री के ऊपर रहता था क्रो जिसका नाम था लघुपंता, और इसके ट्री के अंदर एक होल बना के उसमें रहता था एक रेट जिसका नाम था हिरनिका। तो एक दिन क्या हुआ कि क्रो है वो नीचे आया और चुया को एक अच्छी सी आवाज़ में, जैसे कि सेम चित्रग्रीव की आवाज़ थी, उस आवाज़ में पुकारा। द रेड थॉट, चुया ने सोचा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? डिड आई फॉरगेट टू फ्री एनी बर्ड्स। डिड आई फॉरगेट टू फ्री एनी बर्ड्स, क्या मैं भूल गया हूँ कि सभी के सभी जो बर्ड्स है वो फ्री है? द डव किंग मस्ट बी कॉलिंग मी फॉर द सेम पर्पज। उसने कहा कि मुझे लगा कि जो डव किंग है वो एक ही उद्देश्य के लिए मुझे पुकारा है। नॉट श्योर हु वाज कॉलिंग हिम। उसको ये नहीं पता था कि मुझे कॉल कौन कर रहा है, यानी पुकार कौन रहा है, क्रो पुकार रहा है या डव। द रेड शाउटेड फ्रॉम इनसाइड द फोर्ट। फोर्ट मीन्स, फोर्ट का मतलब जो सही मीनिंग होता है वो तो होता है, फोर्ट का मतलब होता है किला, बट यहाँ फोर्ट का मतलब होता है कि इसका जो होल, इसका जो हाउस है उसको। उसने अंदर से ही आवाज़ लगाई कि हु आर यू, तुम कौन हो? आई एम लघुपंता द क्रो। तब कोए ने कहा कि मैं कोवा हूँ, मेरा नाम है लघुपंता। द रेड हिड इन टू हिज फोर्ट एंड सेड। अब चूहा और ही अंदर अपने फोर्ट के अंदर छुप गया और कहा, गो अवे एट वंस, तुरंत आप यहाँ से चले जाओ। आई डू नॉट नो हु आर यू, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। आई हैव कम फॉर एन इम्पोर्टेंट बिजनेस। तब कोए ने कहा कि मैं आपके पास किसी पर्पज के लिए आया हूँ, किसी इम्पोर्टेंट बिजनेस का मतलब व्यवसाय होता है, लेकिन यहाँ ये दोनों व्यवसाय नहीं कर रहे। यहाँ इस स्टोरी में इसका मतलब है कि मैं किसी इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आपके पास आया हूँ। वाई डू नॉट यू मीट मी, मीट का मतलब होता है मिलना, कि तुम मेरे से क्यों नहीं मिलना चाहते। क्रो कहता है चूहा को कि तुम मेरे से मिलना क्यों नहीं चाहते। वॉट विल आई गेन बाई मीटिंग यू। तब उसने कहा, इस मीटिंग से मुझे क्या मिलेगा? सर आई नो यू फ्रीड चित्रग्रीव। उसने कहा कि मुझे पता है तुम चित्रग्रीव से आज़ाद हो, एंड हीज फॉलोवर्स, और उसके फॉलोवर्स, फॉलोवर्स का मतलब होता है साथी, यानी उसके जितने भी साथी फ्रेंड्स हैं डव किंग के, उनसे आप क्या हो, फ्रीड हो, स्वतंत्र हो। आई थॉट फ्रेंडशिप विद यू वुड बी यूजफुल इन सच ए क्राइसिस। तब उसने, क्रो ने कहा कि मैं आपके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, दोस्ती करना चाहता हूँ। क्राइसिस का मतलब होता है कि कोई कोई कैसी कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ना आ जाए, तो उससे सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, दोस्ती करना चाहता हूँ। आई एम सीकिंग योर हेल्प, मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ, आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपके पास हाथ मिलाने आया हूँ। देन वेरी ओड, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, कहा कि बहुत अजीब बात कर रहे हो, यू आर द डिनर। उसने कहा कि तुम डिनर हो एंड आई एम डिनर। वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दो स्पेलिंग है, एक है ज
जो है डी आई एन ई आर डिनर, और दूसरी है डी आई डबल एन ई आर डिनर। इस डिनर का मतलब होता है ईटर, खाने वाला, और इस डिनर का मतलब होता है एक टाइप का फूड। तो चुया ने कहा कि किसको कहा, क्रो को कहा कि तुम तो ईटर हो यानी तुम खाने वाले हो, और आई एम डिनर, मैं आपका क्या हूँ, फूड हूँ। क्योंकि उसने कहा ना मुझे फ्रेंडशिप करनी है, इसका मतलब चूहा ने जवाब दिया कि तुम तो डिनर हो यानी तुम तो खाने वाले हो, तुम किसी को भी खा सकते हो, और आई एम डिनर, मैं आपके लिए क्या हूँ, फूड आइटम हूँ, आप मेरे साथ में भी कुछ भी कर सकते हो, इसलिए मैं फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती। हाउ कैन देयर बी एम्प्टी बिटवीन द टू, एम्प्टी का मतलब होता है दो दुश्मनों के बीच में फ्रेंडशिप कैसे हो सकती है, कि एक तो उसका फूड आइटम है और दूसरा उसको खाने वाला है। वेयर देयर आर इन एम्प्टी, इसका मतलब होता है इस रिलेशन का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन, और इसका मतलब होता है दुश्मनी से जो रिलेशन होता है। देयर कैन नॉट बी फ्रेंडशिप, इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप कभी नहीं हो सकती। डिडंट नॉट यू हियर द एल्डर सेज, तब उसने कहा कि कभी आपने पुराने जो अपने पूर्वज होते हैं उनसे ये कहावत सुनी है, कौन सी, फ्रेंडशिप और मैरिज इज ऑलवेज बिटवीन इक्वल इन कास्ट एंड वेल्थ। उसने कहा कि अपने पूर्वज या कहीं से भी आपने स्टोरी पढ़ी है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, तो उन्होंने इसमें यही कहा जाता है कि फ्रेंडशिप और मैरिज यानी दोस्ती, मित्रता और जो शादी होती है वो हमेशा उन दोनों लोगों के बीच में होती है जो इक्वल कास्ट के हो और इक्वल वेल्थ, वेल्थ का मतलब इक्वल हो, ना अमीर हो ना पुअर हो ना गरीब, मतलब उनकी इक्वल आर्थिक व्यवस्था हो। देर कैन नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ बॉन्ड्स, और किसी भी टाइप का उनके बीच में किसी भी टाइप का कोई बॉन्ड नहीं हो, बिटवीन द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग, और उनके बीच में न कोई लूज पॉइंट हो और न ही कोई स्ट्रॉन्ग, यानी दोनों बिल्कुल इक्वल हो, तब उनके बीच में फ्रेंडशिप हो सकती है, अपने बीच में नहीं हो सकती क्योंकि अपन दोनों बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। ही हु सीक फ्रेंडशिप विद द समवन हु इज नॉट एन इक्वल विल अर्न रेडिक्यूल, सो प्लीज गो। उसने कहा कि कौन किसके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहता है, कौन किसका इक्वल, कुछ नहीं, प्लीज़ यहाँ से आप चले जाओ। लघुपंता रिप्लाइड, तब लघुपंता कौन था, क्रो, क्रो ने आंसर दिया, इनने कहा आई एम वेटिंग हेयर एट योर डोर स्टेप, उसने कहा कि मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर आपका वेट कर रहा हूँ। इफ़ यू रिजेक्ट माई हैंड, यदि आप मेरे हैंड को रिजेक्ट करते हो, हैंड का मतलब, हैंड बनाने का मतलब होता है दोस्ती करना, इसका मतलब कि यदि आप मेरी दोस्ती को स्वीकार नहीं करते हो, आई विल स्टार्व हेयर टू डेथ, मैं इसी टाइम यहीं पे मर जाऊंगा। बट फ्रेंडशिप विथ यू इज़ नॉट पॉसिबल, तब उसने कहा कि चाहे कुछ हो जाए तुम्हारे साथ में फ्रेंडशिप है वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल का मतलब होता है संभव नहीं है। हाउ एवर होट द वाटर इट स्टिल किल्स द फायर, जैसे कि एक गर्म वाटर होता है इट किल द फायर, फायर को क्या कर देता है, बुझा देता है, इसी प्रकार अपने बीच में फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। वी हैव नॉट इवन सीन ईच अदर, अपन एक दूसरे को नहीं देख सकते, हाउ कैन देयर बी एनमिटी बिटवीन बोथ ऑफ अस, अपन में से दोनों में से कोई भी किसी के साथ में फ्रेंडशिप नहीं कर सकता क्योंकि अपन बिल्कुल डिफरेंट है। हिरने क्या देन एक्सप्लेन, तब हिरने क्या एक्सप्लेन किया, इनमिटी इफ फॉर टू काइंड्स, जो इनमिटी है इसके दो प्रकार होते हैं, द फर्स्ट इज नेचुरल, फर्स्ट तो होता है नेचुरल यानी प्राकृतिक, और सेकंड होता है आर्टिफिशियल, द सेकंड काइंड डिसअपीयर व्हेन व्हाट कॉजेस इट डिसअपीयर, यानी जो नेचुरल होता है वो तो बाय नेचर होता है लेकिन आर्टिफिशियल तब वो डिसअपीयर हो जाता है, डिसअपीयर का मतलब होता है गायब होना, यानी गायब कब हो जाता है, जब इनके बीच में कोई किसी भी प्रकार के कोई क्यूजेज कोई कारण हो जाए, बट नेचुरल इम्यूनिटी एंड्स ओनली विद द डेथ ऑफ वन ऑफ द टू एनिमीज, लेकिन ये जो नेचुरल जो दुश्मनी होती है वो तब भी ख़त्म होती है जब दोनों में से एक ख़त्म हो जाए, यानी इसने ये एक्सप्लेन किया कि अपन फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकते, अपन बिल्कुल एक दूसरे के दुश्मन है, और वो भी कैसे दुश्मन है, बने हुए आर्टिफिशियल, नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है, आर्टिफिशियल होते हैं तो उनमें तो एक दूसरे के बीच में जो एक गायब हो जाता है तो दूसरे अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें तो एक की डेथ होने के बाद में उनकी जो जो दुश्मनी होती है वो ख़त्म होती है।
कैन यू मेक इट क्लियर, क्या इसको आप क्लियर कर सकते हो? आस्क लघुपंता, लघुपंता ने कहा कि जो तुमने कहा है कि जो ये दो तरह की दुश्मनी होती है, एक नेचुरल होती है एक आर्टिफिशियल होती है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो? तब उसने कहा यस, आर्टिफिशियल एमिटी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सम रीजन। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, यानी खुद बनी हुई दुश्मनी होती है वो, उसके कुछ रीजन्स होते हैं। वो नेचुरल एनमिटी इज लाइक द वन बिटवीन ए स्नेक एंड ए मंगूस। और नेचुरल का मतलब होता है बाय नेचर, नेचर की ये दुश्मनी किस तरह की होती है, जैसे कि एक स्नेक और एक नेवले के बीच में दुश्मनी होती है। वो पैदा होने के बाद में दुश्मन नहीं होते, वो बाय बर्थ ही एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। वॉटर एंड फायर, पानी और आग, देवता एंड राक्षस, जो देवता और राक्षस होते हैं उनके बीच में जो दुश्मनी होती है। डॉग एंड कैट, जैसे कैट को देखते ही डॉग उसके ऊपर झपट जाता है। द रिच एंड द पुअर, ऐसे ही अमीर और गरीब, अमीर गरीब को देख के अमीर को घमंड ऐसे हो जाता है कि ये तो बहुत छोटा आदमी है, यानी उनके जो एक्सप्रेस है, उनके जो भी थिंकिंग है, थॉट्स है, वो बिल्कुल ही एक दूसरे के मैच नहीं करते। इस तरीके के एग्जांपल्स उन्हें नेचुरल एनमिटी के दिए। एंड द लर्न एंड द इलिटरेट, इसका मतलब एक एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड, किसने कहा, इनने क्या नहीं समझाया कि आर्टिफिशियली ये कुछ रीजन्स होते हैं जबकि नेचुरल होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। लघुपंता देन प्लीडेड, तब लघुपंता है, प्लीडेड का मतलब होता है उससे रिक्वेस्ट की, सर व्हाट यू से इन अनरीजनेबल, तब उसने कहा किसको, हिरने क्या को, कि तुम बिना कारण के क्या एग्जांपल देते जा रहे हो। देर इज ऑलवेज ए रीजन बिहाइंड फ्रेंडशिप एंड एनमिटी, हमेशा किसी भी दुश्मनी और मित्रता के बीच में कुछ ना कुछ रीजन्स होते हैं। दैट इज Why a wise man should always seek friendship in any not enmity, कि एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या करता है, फ्रेंडशिप ही करता है, किसी का दुश्मन कभी नहीं बनता है। True, it is foolish to think that you have not come to harm because you are man of character. People who are blinded by ignorance and anger do not consider your character. तब इन्हें क्या ने कहा कि आपके, मैं जितना कुछ कह रही हूँ आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने आपको कितना इग्नोरेंस कर दिया, यानी आपके अंदर नॉलेज की बहुत कमी है, आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। फ्रेंडशिप विद बैड मैन इज लाइक ए पॉइंट ऑफ क्ले, तब उसने ये भी कहा कि एक गंदे आदमी के साथ में, बैड पर्सन के साथ में फ्रेंडशिप करना, उस क्ले का मतलब होता है मिट्टी, और पोट का मतलब होता है बर्तन, यानी उस मिट्टी के बर्तन के समान है जो कि जल्दी टूट जाता है, इजी टू ब्रेक, टूट जल्दी जाता है बट डिफ़िकल्ट टू रीजॉइन, जबकि तोड़ना उसको मुश्किल होता है। बट विथ गुड मैन इज लाइक पोट ऑफ गोल्ड, लेकिन एक अच्छे इंसान के साथ मित्रता करना, एक गोल्ड का मतलब होता है सोना, यानी सोने का जो बर्तन होता है उसके समान है, जो कि डिफ़िकल्ट टू ब्रेक, जिसको तोड़ना तो बहुत हार्ड होता है बट इजी टू मेंड, उसको वापस मेंड करना, रिजॉइन करना, उसका मेंशन करना इजी होता है। आई प्लेज, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ दैट यू विल बी नो रीज़न टू फियर डेंजर फॉर मी, सेड लघुपंता। लघुपंता ने कहा कि मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, इन्होंने क्या आपसे, मेरे आपको मेरे से किसी भी टाइप का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई खतरा नहीं है। तब हिरने क्या सेड, हिरने क्या ने कहा, आई हैव नो फेथ इन प्लेस, मैं इस टाइप का जो प्रोमिस है उसमें कोई, फेथ का मतलब होता है विश्वास रखना, यानी इस तरह का जो आपने प्रोमिस किया उसमें मुझे कोई विश्वास नहीं है। डोंट ट्रस्ट एन एनिमी विथ whom यू हैव मेड पीस, यानी मैं उन दुश्मनों के साथ में विश्वास नहीं करती, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास नहीं करती, जो कि किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इवन इफ द होल इज स्मॉल, ये इवन इफ द होज वाटर स्पिनिंग थ्रो इट कैन सिंक ए शिप, यानी ये कह रही है, उसने ये भी समझाया कि जैसे कि एक शिप होती है, शिप के अंदर इतना छोटा भी होल का मतलब होता है छेद, यानी इतना छोटा भी छिद्र हो तब उसमें वाटर है, वो सीपिंग का मतलब होता है रिसाव होके पूरी की पूरी शिप होती है वो सी के अंदर या ओशियन के अंदर क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है, डूब जाती है। आफ्टर दिस लॉन्ग सरमन, सरमन का मतलब होता है इतने बड़े लेक्चर के बाद, इतने बड़ी बातचीत होने के बाद में, लघुपंता डिड नॉट नो हाउ टू रिप्लाई, लघुपंता ने कहा कि इतना इसने लेक्चर दे दिया हिरने क्या ने, अब मैं क्या कहूँ।
Hindeka, he thought was a very knowledgeable being, that was a strong reason for him to seek his friendship. उसने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा, इसके पास तो नॉलेज है और इसके पास में स्ट्रॉन्ग सबूत भी है कि फ्रेंडशिप के लिए क्या होना चाहिए. टर्निंग टू हिरण्यकश्यप, तब उसने हिरण्यकश्यप की तरफ मुड़ के कहा, ही सेड, उसने कहा, सेवन वर्ड्स आर एनफ टू बींग टू गुड पीपल टुगेदर. सेवन वर्ड्स होते हैं वो एक, यानी सात शब्द होते हैं वो ही काफ़ी होते हैं जो एक दूसरे को क्लोज लेके आ जाए. वी हैव ऑलरेडी टॉक, अपन ने तो इतनी सारी बातें कर ली, आपने क्या कहा, मैंने क्या कहा, पूर्वजों ने क्या कहा, इन सब के बारे में, तो सेवन वर्ड्स तो बहुत कम रह गए. देन सेवन वर्ड्स आर एनफ टू ब्रिंग सम टुगेदर. वी हैव ऑलरेडी और देन विच मेक्स अस गुड फ्रेंड्स, अपन को कौन अच्छे दोस्त बना सकते हैं. दैट वाई प्लीज़ बिलीव वॉट आई से, मैं क्या कह रहा हूँ, प्लीज़ मेरे ऊपर विश्वास करो. इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल, यदि ये पॉसिबल नहीं है, आई विल स्टे आउट, मैं यहाँ से चला जाऊँगा. एंड यू कैन टॉक टू मी फ्रॉम विद इन योर फोर्ट, और आप मेरे को अंदर से, जो आपका फोर्ट है यहीं से आप मुझे कॉल कर सकते हो. इम्प्रेस बाई हिज सिंसेरिटी, हिरण्यकश्यप सेड. अब इतनी बात करने के बाद में हिरण्यकश्यप जो चूहा है वो उसकी बातों से क्या हो गया, इम्प्रेस हो गया. ओके, यू शुड नॉट स्टे इन साइड माई फोर्ट, उसने कहा कि आपको मेरे फोर्ट के अंदर पाँव रखने की जरूरत नहीं है. वेन लघुपंता एग्री टू द कंडीशन, कि उस कंडीशन में वो एग्री हो गया. द बिकम फ्रेंड एंड एन्जॉय देयर डेली मीटिंग एंड लॉन्ग टर्म, वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हो गए, रोज़ उनकी लंबी लंबी बातें हुआ करती, मीटिंग होती थी. देन दे हेल्प ईच अदर, अब वो एक दूसरे की क्या करने लगे, हेल्प करने लगे. चूहा है वो रेड, चूहा है वो कौवे की करने लगा, और कौवा है चूहे की हेल्प करने लगा. द को यूज टू ब्रिंग पीस ऑफ ऑफ रिंग्स ऑफरिंग्स दैम टेम्पल्स फॉर द रेड, अब क्रो क्या करने लगा, उसके लिए जो छोटे छोटे जो पीस होते हैं वो लाने लगा. एंड रेड इन टर्न यूज टू ब्रिंग ग्रेन्स, और चूहा उसके बदले में उसके लिए क्या लाने लगा, अनाज के कुछ दाने लाने लगा. पेडी का मतलब होता है जो राइस वगैरह होते हैं और कोई भी फूड आइटम्स हो फॉर हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के लिए. दस दे बिकेम ग्रेट एंड इनसेबल फ्रेंड्स, यानी वो दोनों एक महान फ्रेंड्स बन गए. सो डियर स्टूडेंट, इन दिस स्टोरी देर इज नो कंडीशन टू बिकम ए फ्रेंड्स, यानी इस चैप्टर में एक स्टोरी दी गई है कि किसी को अपने फ्रेंड बनाने के लिए वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती है. यदि आपको एक दूसरे का व्यवहार अच्छा लगता है, बिहेव अच्छा लगता है, तो यू कैन मेक गुड फ्रेंड्स, आप गुड फ्रेंड ही बन सकते हो. ओके, नाउ यू कैन रीड दिस स्टोरी एट होम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, थैंक्स.